मेरा नाम हरीश कुमार है, मैं इस दुकान का ऑनर हूँ, या हम पहलवान कुलचा के नाम से दुकान शॉप चलाते हैं। और हमारा इंग्रेडिएंट्स हाइजीनिक है, शुद्ध देसी घी से सामान तैयार करते हैं, बस लोगों को अच्छा टेस्ट चिखाते हैं कि अच्छा उनका टेस्ट बना रहे बस, और उनका प्यार बना रहे बस। ठीक है, हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम कुलचा सीरीज़ 9 में आपको कुलचा खिलाने लाए हैं, पहलवान जी का कुलचा जो अमृतसर में काफ़ी फेमस है। और ये इनकी जो दुकान है, ये लक्ष्मणसर चौक नियर गोल्डन टेम्पल भी है और नियर बाबा दीप सिंह जी गुरुद्वारा जो है साहिब है उनके पास में ही इनकी दुकान पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको इनका थोड़ा सा लैंडमार्क आपको शेयर करता हूँ। सुगाई जो ये आप जो रास्ता देख रहे हैं, ये बिल्कुल गोल्डन टेम्पल के पास में से होकर आता है ये। और यहाँ पर इनके सामने जो देखिए आप, इनके सरकारी, मेरे ख्याल में सरकारी सेकेंडरी स्कूल है, और बिल्कुल इन सरकारी स्कूल के बिल्कुल सामने इनकी जो है शॉप है। सो गाइस, जो दूसरा रास्ता ये आप देख रहे हैं, ये जो चाटी विंड गेट है उसके अंदर आप जब एंटर करोगे तो पहले इस्कॉन मंदिर आएगा, इस्कॉन मंदिर क्रॉस करके इनकी दुकान है पहलवान कुलचे वाले की। तो चलिए हम दुकान के अंदर मिस्टर हरीश जी से बात करते हैं और पूछते हैं जी, और कौन कौन सी वैरायटी में कुलचा बनाते हैं और कब से ये दुकान चला रहे हैं। सो गाइस, हमारे साथ हैं मिस्टर हरीश जी जो इस दुकान के ओनर हैं। तो सबसे पहले सर नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। सर आपको कितनी देर हो गई और मुझे ये कुछ बताइए, आपका इतना फेमस कुलचा है और ये पहलवान जी कौन थे और पहलवान जी का फेमस कुलचा कैसे हुआ आपका? सर ये पहलवान जी जो है हमारे फादर साहब। अच्छा, आपके पिताजी जो पहलवान जी, ठीक है, पहलवानी का शौक रखते। अच्छा, वो पहलवानी करते थे। सो गाइस, वो इनके पिताजी थे पहलवान जी, उनका शुभ नाम क्या? श्री नथुराम जी पहलवान, जो काफ़ी फेमस थे और अपने टाइम में वो पहलवानी करते थे, तो इसलिए इनका दुकान का नाम पहलवान कुलचे वाला पड़ा। तो अपनी वैरायटी के बारे में बताइए, और कितने साल हो गए? कम से कम 68 से ये दुकान चल रही है। 1953 से चल रही है, 68 साल हो गए। अच्छा, 68 टोटल ईयर हो गए आपको काम करते हुए। ठीक है जी, और कौन कौन सी वैरायटी आप बनाते हो कुलचे में? जैसे कोई ग्राहक मांगता है वैसे। वैसे फेमस आपका कौन सा है? रनिंग में ज़्यादातर मिक्स चलता है। अच्छा, मिक्स चलता है आपका। हाँ जी। और साथ में चने वगैरह, चने चटनी खट्टा वगैरह देते हो ना आप? तो चलिए गाइस, हम देखते हैं कैसे ये डो तैयार करते हैं और चने के भी टेक्सचर आपको दिखाते हैं, खट्टे का भी, और कुछ तंदूर में कैसे ये लगाते हैं, फिर हम अपने दोस्तों को, व्यूवर्स को बताएंगे कि कैसा इनका टेस्ट है। तो गाइस, ये है इनकी फीलिंग। तो सर कुछ इसके बारे में बताइए, क्या क्या इसमें आपने डाला हुआ है? ये ग्रीन्स है, सभी जो नारदाना, काली मिर्च, धनिया, जीरा, अजवाइन, नारदाना है, कसूरी मेथी भी आपने रखी हुई है ना, अदरक है, हरी मिर्च है। तो ये कोई ऑलिव ऑयल का मांगता है जैसे? ओके ऑलिव ऑयल होता है। अच्छा, ऑलिव ऑयल के आप कोई डाइट के प्रति कॉन्शियस है अमन जी? ठीक है जी। सो गाइस, काफ़ी मुझे बढ़िया टेक्सचर लग रहा है देखने में। देखिए आप फीलिंग कैसे, इन्होंने कितनी बढ़िया तैयार की हुई है। इन्होंने इसमें साबुत धनिया है, काली मिर्च है और हरा धनिया है। तो हरीश जी, इसके बाद आप क्या करेंगे? हम ये आपने जो डो को ये आप फिल कर रहे हैं? अच्छा जी, भैया फिल कर रहे हैं। अच्छा जी, आपने डो तैयार की हुई है पहले? हाँ जी, ये डो तैयार है जी। ठीक है ना, और डो कैसे आप तैयार करते हैं, कुछ हमें आइडिया दे दीजिए। जैसे इसमें बस मैदे में घी लगाते हैं। अच्छा, मैदे में आप घी लगाते हो? हाँ जी। ठीक है जी, ये अच्छा जी, हमारी जब ये रेडी हो गई है ना। सो गाइस, देखिए ये लगे हैं इनके तंदूरी कुलचे, अमृतसर में काफ़ी फेमस हैं। और इनके हमने चने के बारे में भी काफ़ी सुना है, जो चने इनके काफ़ी ऑथेंटिक होते हैं और काफ़ी उनका टेक्सचर होता है, जो इनका जो खट्टा होता है वो भी बहुत बढ़िया होता है। तो चलिए मैं आपको इनके खट्टे के बारे में और चने के बारे में भी आपको बताता हूँ। सो हरी जी, ये है अपने चने जी, तो इसके बारे में बताइए, ये आप कैसे बनाते हो, कितनी देर में ये रेडी हो जाते हैं? 1.5 घंटे में रेडी हो जाते हैं। अच्छा, 1.5 घंटे में रेडी हो जाते हैं, और रात को इसको आप भिगो के रखते हो? ठीक है जी। और मैं देख रहा हूँ काफ़ी सिंपल से हैं, कोई लग नहीं रहा कोई मिर्ची वगैरह इसमें, कुछ ऐसा नहीं है।
नहीं ऐसे मिर्ची का तीखापन नहीं देते, ऐसे मसाले का देते हैं, जो मसाले का टेस्ट आए आपको मसाले का, ठीक है जी। वैसे ऐसे तो गाइस बिल्कुल सिंपल ऑथेंटिक ये इनके चने हैं बिल्कुल। ये कह रहे भैया भी इसमें मिर्ची का हम यूज़ ही नहीं करते, ओनली इनका जो सीक्रेट मसाला है वो ही आप यूज़ करते हो ना, कम मिर्ची, ऐसा नहीं मिर्ची का तीखापन लोगों को वो नहीं है, मसाला। ओके जी ओके, तो साथ में है इनका ये खट्टा ना, खट्टे के बारे में कुछ बताइए क्या क्या इसमें डाला हुआ आपने। ये टेक्सचर है उसका इमली का, अपना आमचूरे का, आमचूरा है मतलब, इमली और इमली है, है। इमली मैं है। देख रहा हूँ आपने स्प्रिंग ऑनियन बहुत ज़्यादा डाले हुए हैं इसमें ना, बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया। ये पड़ता ये टेक्सचर है, ये चीज़ें पड़ते, ये देखो अच्छा, ये पुदीना पाउडर हो गया, चंकी पौधा, ओके ओके, ये हो गया, ये पुदीना, साथ में पुदीना भी पड़ता है, साथ में पुदीना भी पड़ता है आपका, जो नेचुरल पुदीना होता है, नेचुरल पुदीना होता है, ये ऐसा होता है, ये टेक्सचर होता है। सो गाइस ये सभी जो मसाले वगैरह हैं ज़्यादातर ये MDH के यूज़ करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। जब रेडी होगा तो फिर हम आपको थोड़ा सा इसका दिखाएंगे भी कैसा टेक्सचर है। तो हरी जी ये आपके पिताजी, जी जी सर, जी, उनका पिक्चर है जी, उनका पिक्चर, तो बिल्कुल ये पहलवानी मतलब पोजीशन में है, ठीक है जी। ये कहाँ पर पहलवानी करते थे अपने, अमृतसर में? अमृतसर में ये चाटी मिनट चौक में हमारा अखाड़ा है, गयो पहलवान जी का उस्ताद जी, हमारे गयो पहलवान जी थे, अच्छा, वो सामने उनके पिक्चर है, जैसे उसकी पिक्चर ले उस्ताद जी के सामने आपने पिक्चर लगाई ये उनका अखाड़ा है गयो पहलवान जी का। अच्छा उनका अखाड़ा था, वहाँ पर ये पहलवानी करते थे ना। हाँ तो इनको मतलब ये कुलचे का कैसे माइंड में आया, भाई हमने कुलचे का भी काम करना है? वो साथ में एक ऐसे आया था कि पाकिस्तान से आए थे, तो वहाँ से एक ट्रेंड चलता है। अच्छा ये, अच्छा ये क्या बात है, तब एक मतलब जुनून था बंदे में कि अमृतसर में कुछ खाने का भी करना, साथ में पहलवानी भी करनी है, तो कुछ ना कुछ तो प्रबंध करना पड़ेगा। रोटी क्या बात है, सो गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बन गई है। तो चलिए अब हमारा कुलचा भी रेडी मोस्टली होने वाला है, तो फिर हम आपको बताते हैं। सो गाइस हमारे लिए कर दिया है भैया ने रेडी का हमारा कुलचा, तो देखिए काफ़ी देखने में क्रिस्पी लग रहा है। और अब हम आपको, तो भैया इसके ऊपर आप क्या लगाओगे अभी? अच्छा इसके ऊपर देसी घी लगेगा, तो आप अमूल वगैरह मक्खन का यूज़ नहीं करते ना, ओनली देसी घी यूज़ करते हो। सो गाइस देखिए हमारे कुलचे हो गए हैं रेडी, तो चलिए अब प्लेटिंग के लिए ये रेडी कर दिए भैया ने। सो गाइस देखिए हमारा फाइनली कुलचा रेडी हो गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए इन्होंने बिल्कुल अपना ओल्ड ट्रेडिशनल तरीके से इन्होंने मतलब ये सारा इन्होंने सर्व किया है। ये पुराने ज़माने के जो पत्तल वाले ढूंढने होते थे उसमें इन्होंने अपने चने डाले हैं, साथ में खट्टा डाला है, और ये इनका जो फेमस कुलचा है बिल्कुल देसी घी की काफ़ी इसमें से अरोमा आ रहा है। और ये अमूल मक्खन वगैरह और एक्स्ट्रा कोई मक्खन नहीं यूज़ करते, ओनली ये देसी घी यूज़ करते हैं, डो तैयार करने में भी देसी घी यूज़ करते हैं, और इसको फाइनली जब ये रेडी होता तब भी ये देसी घी यूज़ करते हैं। तो काफ़ी पुराने जैसे तरीके से इन्होंने सर्व किया है, पेश किया है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको इनका चने ट्राई करता हूँ, कैसे चने हैं इनका। चने में इन्होंने बताया था बिल्कुल माइनर सी लाल मिर्च यूज़ करते हैं, बाकी ये अपना सीक्रेट जो मसाला है वो ही यूज़ करते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सिंपल, नमक भी बिल्कुल बराबर है, और जो अपना ये मसाले यूज़ किए इन्होंने वही उनका ही टेक्सचर आ रहा है, साथ में ये खट्टा है। तो गाइस और इसके साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने अपनी ना दुकान को बिल्कुल, सो गाइस देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल दुकान को इन्होंने कुछ चेंज नहीं किया है, बिल्कुल पुरानी दुकान है, जैसे पुराने जो शहर में जो सिटी में अमृतसर में पुराने मकान होते थे वैसे ही बिल्कुल आप देख सकते हो। ये इन्होंने जो लकड़ की बल्लियां हैं उसके ऊपर इन्होंने लेंटर वगैरह जो अपना जो छत है वगैरह जो पुराने तरीके से ही इन्होंने अपनी मेंटेनेंस करके रखी हुई है, बट दुकान में बिल्कुल इनके काफ़ी साफ़ है, हाइजीनिक है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है। सो दोस्तों अब हम लेते हैं कुलचे की बाइट, तो बिल्कुल देखिए क्रिस्पी है ये, देखिए बिल्कुल टूट गया आराम से, वाकई देसी घी का काफ़ी इसमें अरोमा है। तो ये मैं लगाए मैंने ये इनके चने, ये
एक्सेलेंट, बिल्कुल क्रिस्पी है, बहुत ही क्रिस्पी है, क्रिस्पीनेस इसमें बहुत ज़्यादा है और देसी का फ्लेवर ही बहुत ज़्यादा आ रहा है। मसाले बिल्कुल बराबर हैं, बिल्कुल भैया बता रहे थे जैसे बिल्कुल आपने उनकी फीलिंग देखी होगी, बड़ी सिंपल सी फीलिंग है। पुदीना, हरा धनिया, कसूरी मेथी, काली मिर्च, साबत, जो साबत धनिया, अनारदाना वगैरह इसमें यूज़ करते हैं, बहुत ही बढ़िया। अब मैं सेकंड बाइट लेऊंगा, फिर आपको इसका बताता हूँ। अब मैं खट्टे के साथ भी साथ में लेता हूँ, टूटने में तो फर्स्ट क्लास है, आराम से टूट गया ये। ये देखिए जी दोस्तों, मैंने लगा ले थोड़े से इन्होंने चने, ये इनका काफ़ी स्प्रिंग ऑनियन डाला हुआ है इन्होंने, तो ये है मेरी दूसरी बाइट। चने और साथ में खट्टा, वेरी यूनिक टेस्ट। तो दोस्तों आप जब भी अमृतसर आएँ, गोल्डन टेम्पल मत्था टेकने आएँ, जहाँ शहीदा साहब बाबा दीप सिंह जी का गुरुद्वारा मत्था टेकने आए, तो बिल्कुल पास में इनकी दुकान है, बड़े आराम से आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो। और इनकी जो टाइमिंग है ना, काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, वो थोड़ा सा 3 बजे के बाद आ जाते हैं, 4 बजे इवनिंग टाइम में आ जाते हैं, तब इनके पास ये इनका सारा जो मटेरियल ख़त्म हो जाता है। तो इनकी जो जो रेगुलरी टाइम, जो सही टाइम है, वो 8 से 2 बजे ही हैं। आप 8 से 2 बजे के बीच बीच में आप जब भी आओगे आपको कुलचा मिल जाएगा। और संडे को ओपन होता है, कोई भी इनकी छुट्टी नहीं होती, 7 डेज इनकी ओपन होती है दुकान। सो गाइस, इसी के साथ अगली वीडियो के साथ आपको मिलेंगे, और मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।